दिस इज रुचिशा, वेलकम टू द किचन निंजा। आज की जो डिश है वो है मिक्स वेजिटेबल ढोकला। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर अब तक आपने मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आज हम यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल ढोकला बना रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हम बैटर की तैयारी करेंगे। एक जार में हम एक कप जितना चना दाल लेंगे, 1/3 कप जितना मूंग दाल लेंगे और 1/3 कप जितना हम राइस लेंगे। अच्छे से इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। दरदरा पीस चुका है। अब इसमें हम 1/3 कप पोहा ऐड करेंगे, 1/3 कप सूजी ऐड करेंगे और इसे एक बार फिर से अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ढोकला बनाने के लिए हमारा प्री मिक्स रेडी है। आप इसे 1 महीने तक एयरटाइट कंटेनर में रख के स्टोर भी कर सकते हो। मिक्सर को मैंने एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसमें हम 1 कप जितना पानी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। मैंने इसमें 2 कप जितना पानी ऐड किया है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप और थोड़ा पानी ऐड कर सकते हो। और हमें इसे एकदम लम्स फ्री जैसा बैटर चाहिए तो उस तरह से कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे हम। अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ वेजीज लिए हैं। फाइनली चॉप्ड कैबेज, फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम और फाइनली चॉप्ड बॉयल किया हुआ स्वीट कॉर्न और मटर। अब इसे हम बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने सारे वेजीज को फाइनली चॉपर में चॉप कर दिया था। फ्रेश कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर देंगे इसमें। सारे वेजीज को अच्छे से मिक्स कर देंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं और हमारा बैटर भी अच्छे से फूल चुका है। एक बार इसे हम फिर से ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के टाइम पे इसमें हम थोड़ा सा ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, 1 स्पून जितना लेमन ऐड करेंगे। इसे अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। बैटर को मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। जो वेजीज हमने मिक्स करके रखी थी अब उसमें हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे क्योंकि मुझे थोड़ा सॉल्ट कम लग रहा था। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे हम। इसमें हम 1 टेबल स्पून जितना इनो सोडा ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने एक साइड स्टीमर भी रख दिया है। मैंने यहाँ पे ढोकला बनाने के लिए प्लेट को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इस बैटर को हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल करेंगे और इसे अब हम स्टीमर में रखेंगे 15 मिनट के लिए। स्टीमर में मैंने रख दिया है। इसे अब हम 15 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और ढोकला भी हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे हम। एक बार इसे ऐसे नाइफ के हेल्प से हम देख सकते हैं, ढोकला हमारा अच्छे से हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर इसे हम कट करेंगे। अब इसे हम कट करेंगे।
वेजिटेबल ढोकला हमारा रेडी है टू सर्व।